हम लोग काफी दिन लॉकडाउन के अंदर थे, अभी अनलॉक धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मूवी थिएटर या फिर सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स ये अभी तक नहीं खोला है। ये लॉकडाउन के अंदर एक चीज हम लोग को पता चला कि OTT प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है हम लोग के लाइफ में। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बोला जाए, मुझे मूवीज से वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है मूवी से आजकल वेब सीरीज ज्यादा बन रही है और बहुत ही अच्छा बन रही है। मेरे घर में सबसे ज्यादा चलता है Zee5, क्योंकि मम्मी को एक ही चैनल देखना है, वो है Zee बांग्ला। जी हाँ, जितने भी नाटक है, जितने भी बंगाली सीरियल्स है, सब वहां पर मिल जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफी आराम से मिल जाता है, कोई भी एड्स नहीं है और वो कभी भी चला के आज का क्या या फिर 10 महीने पहले का सभी वो सीरियल देख सकती है। खाली यही नहीं, लाइव चैनल भी वो देख सकती है, तो मेरे घर में तो वो बहुत चलता है। इवन अगर बोला जाए लास्ट 2 साल से मेरे घर में कोई भी DTH या फिर केबल कनेक्शन नहीं है, जो भी चल रहा है सभी ये OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन के ऊपर चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा यही OTT प्लेटफॉर्म के बारे में और आपको बताऊंगा अगर आप OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन सस्ते में लेना चाहते हैं तो कौन से प्लान आप ले सकते हैं, कौन से प्लान में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से कुछ साल पहले जब OTT प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ था तब ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नया मूवी देखने जाते थे मूवी थिएटर्स में, या फिर अगर हम लोग को और भी कोई अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखना है तब हम लोग DTH या फिर केबल के अलग अलग चैनल्स में देख सकते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए वो पासा एकदम पलट गया है। जी हाँ, आजकल हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और इवन अभी तो मल्टीप्लेक्स भी आ गया, मतलब नए नए मूवीज़ भी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है। अगर OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बोला जाए, फॉर एन एग्जाम्पल Zee5, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ऐसे बहुत सारे हैं जो काफ़ी फेमस है इंडिया में। पहले ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर मोबाइल जो हम लोग डेटा रिचार्ज करते थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, मतलब मुझे अभी भी याद है मुझे 1 GB का डेटा 350-350 रुपये में खरीदना पड़ता था। लेकिन आज अगर देखा जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से बदल गया है। इसके लिए ये जो डेटा या फिर 4G कनेक्टिविटी या फिर हाई स्पीड इंटरनेट ये काफी एक्सेसिबल हो गया है, और जब हम लोग के पास इंटरनेट है तब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्यादा सर्च करके हाई क्वालिटी कंटेंट देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, क्वालिटी डज मैटर यार, 720p है या फिर फुल HD है, वो हम लोग हमेशा देखते हैं यार फुल HD में देखना यार, अरे लोअर क्वालिटी हो गया, थोड़ा हायर क्वालिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग करते ही रहते हैं। मेरे घर में बहुत सारा सब्सक्रिप्शन है जो मैं अपने TV में, स्मार्टफोन पे, मेरे मम्मी के घर में भी स्मार्ट TV है, वहाँ पर भी ये सभी चीज़ चलता रहता है। हाँ, उनके घर में खाली एक ही चलता है Zee5, मेरे घर में तो अलग अलग चीज़ें चलता है। अगर इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए नेटफ्लिक्स में बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट्स है, हिंदी कंटेंट्स बहुत कम है या फिर बंगाली कंटेंट्स भी बहुत कम है, लाइव चैनल्स भी वैसा कुछ नहीं है। सेम थिंग गोज टू Amazon प्राइम ऑल्सो। Zee5 अगर देखा जाए मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका लाइव चैनल फीचर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लाइव चैनल्स देखता हूं, क्योंकि मेरे घर में जैसे मैंने बताया DTH कनेक्शन नहीं है तो लाइव चैनल मैं देखने के लिए Zee5 इस्तेमाल करता हूं, और मम्मी भी लाइव मूवीज या फिर लाइव सभी उनके जितने भी बंगाली फेवरेट चैनल्स है वो देखने के लिए Zee5 इस्तेमाल करता है। अच्छा चीज है, यहां पर रीजनल लैंग्वेज का भी अलग अलग सेक्शन है, नया मूवीज है, और आज अगर OTT प्लेटफॉर्म देखा जाए वो लोग नए नए कंटेंट एवरी डे बाई डे अपडेट कर रहे हैं, और इवन जैसे मैंने बताया इन फ्यूचर और बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है मूवी थिएटर में शायद 20% मूवी रिलीज होगा, 70-80% मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज होगा, जितना भी स्टैटिस्टिक देख लग रहा है, और वो दौर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। OTT प्लेटफॉर्म अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आता है, कोई मंथली प्लान है या फिर ईयरली प्लान है या फिर हाफ ईयरली प्लान है, तो आप अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है अगर एक साथ अगर मैं 3-4 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करने लगूँ तब मेरे वॉलेट में थोड़ा बहुत तो प्रेशर पड़ेगा। अलग अलग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है वो लोग अभी अपने प्लान के साथ बंडल OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, और मुझे लगता है कुछ कुछ प्लान्स या फिर कुछ कुछ कंपनी है जो इसको और भी अच्छे से डेवलप कर रही है, अच्छा अच्छा प्लान हम लोग के लिए लेके आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल एयरटेल का फोन 99 से ऊपर कुछ कुछ प्लान है जहां पर आपको बहुत सारा अच्छे अच्छे सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है। मैं अभी एयरटेल पोस्टपेड इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 साल से ऊपर हो गया है, यहां पर Zee5 का सब्सक्रिप्शन है, Amazon प्राइम है, उसके साथ साथ विंक म्यूजिक है, और वहां से आप अनलिमिटेड कॉलर ट्यून भी ले सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम ये भी वहां पर फ्री दिया जाता है। तो मुझे लगता है एयरटेल जो बंडल ऑफर देता है उसमें बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन एक साथ मिलता है जो बाकी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के प्लान में मैंने नहीं देखा। जहां तक जियो का सवाल है, जियो जनरली अपना जियो का जो एप्लीकेशन है वही सबका सब्सक्रिप्शन देता है, बाकी दूसरे का नहीं देता है, एक्सेप्ट जियो का 1-2 प्लान है जो मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव है, जहां पर हॉटस्टार डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, मुझे वो प्लान उतना बढ़िया नहीं लगा है। इसके अलावा अगर वोडाफोन देखा जाए, वोडाफोन का कुछ कुछ प्लान है जहां पर Zee5 का
सब्सक्रिप्शन दिया जाता है वो प्लान भी कुछ कुछ अच्छा है। जहां तक ब्रॉडबैंड प्लान है, जियो ब्रॉडबैंड प्लान मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और वहां पर भी मुझे उतना ज्यादा ऑफर्स तो नहीं दिखाई दिया। एयरटेल का कुछ कुछ ब्रॉडबैंड प्लान है जो हम लोग यहाँ पर भी अवेलेबल है, वो काफी अच्छा सर्विस दे रही है, स्पीड भी काफी अच्छा है। एयरटेल ब्रॉडबैंड प्लान में भी आपको ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत सारा सुविधा मिल जाता है। और एक चीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को चाहिए अनलिमिटेड डेटा, हाई स्पीड डेटा, जो एयरटेल ब्रॉडबैंड या फिर ऐसे दूसरे ब्रॉडबैंड में कुछ कुछ प्लान में मिलता है। जियो का ब्रॉडबैंड प्लान में एक दिक्कत है कि यहाँ पर लिमिटेड प्लान है, ये काफी एक्सपेंसिव है, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाता है, वहां पर आप अनलिमिटेड डेटा को कंज्यूम नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर अगर हम लोग हाई स्ट्रीमिंग करते हैं तब हम लोग को बहुत ज्यादा डेटा का जरूरत पड़ता है। तो कोई भी प्लान रिचार्ज करवाने से पहले एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा कि वहां पर लिमिटेड क्या है और क्या क्या ऑफर दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए एयरटेल का कुछ कुछ प्लान है मुझे लगता है काफी अच्छा, जहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है अलॉन्ग विथ योर कॉलिंग बेनिफिट एंड अदर बेनिफिट। सो गाइस राइट नाउ अगर देखा जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म हम लोग की जिंदगी का बहुत एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी बन गया है और मुझे लगता है ये फ्यूचर में जाके और भी अच्छा काम करेगा। सो गाइस आप बताओ आप कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो और कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपके पास है, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और डेटा डॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉक, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।